क्या हेलो भाई, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग मार्केट्स की बात करेंगे, उसके अलावा कुछ ऑल्ट कॉइन के अपडेट्स हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात, मार्केट यहाँ पे अभी भी करेक्शन ले रहा है। बिटकॉइन कल 38 पे ट्रेड हो रहा था, आज 32 पे ट्रेड हो रहा है। इथेरियम भी 20% डाउन हुआ है लास्ट 24 आवर्स में। बाइनांस कॉइन 231 पे आ गया, 25% डाउन हो गया। तो कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट का रिवर्सल चालू है, करेक्शन चालू है। और ये हम लोग को देखना ज़रूरी है कि ये बॉटम क्या बॉटम लेता है बिटकॉइन की प्राइस या इन सारे ऑल्ट कॉइन्स की प्राइस, क्योंकि मोस्टली ऑल्ट कॉइन्स जो हैं बिटकॉइन को ही फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बिटकॉइन यहाँ पे 14% डंप हुआ है। तो इथेरियम जैसा कॉइन या फिर बाइनांस जैसा कॉइन, कार्डानो जैसा कॉइन ऑलमोस्ट 20+, यहाँ पे देखो 28% तो पोलकाडॉट डंप हुआ है, यूनिस्वॉप 32% डंप हुआ है, राइट। सो कहीं ना कहीं बिटकॉइन की कंपेयर टू बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन्स और भी तेज़ी से यहाँ पे गिर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है और मैं इसको किस तरह से इस मार्केट को मैं देख रहा हूँ, मुझे कब तक यहाँ पे ग्रीन आने की उम्मीद दिखाई दे रही है, ये मार्केट कब तक चलने वाला है, मैं आपसे अपना ओपिनियन शेयर करूँगा इस वीडियो में। बट यू नो कहीं ना कहीं हमको एक चीज़ हमको ध्यान देनी है, कहीं ना कहीं हम लोग अगर ये यू नो ये शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं हम लोग इतना डिप्रेस हो जाते हैं या फिर इतना पैनिक में आ जाते हैं कि हम लोग लॉन्ग टर्म विजन भूल जाते हैं। यू नो ऑल ऑफ अ सडन जो इथेरियम की पॉसिबिलिटीज़ है उसको भूल जाते हैं, बिटकॉइन की पॉसिबिलिटीज़ है उसको भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको वो भूलना नहीं चाहिए। यस यहाँ पे मार्केट ट्रेड है, यस यहाँ पे करेक्शन हो रहा है, बट फंडामेंटल्स कहीं नहीं गए, फंडामेंटल्स कहीं नहीं गए और वो हमको हमेशा याद रखना है। तो कल मैंने एक पोल किया था ट्विटर पे, जहाँ पे मैंने पूछा था बेसिकली इस व्हाट डू यू थिंक कि क्रिप्टो बुल मार्केट इज़ ओवर एंड नॉट, एंड काफ़ी लोग ने 32% लोगों ने बोला यस इट्स ओवर, एंड 67% बोल रहा है कि नॉट येट। एंड सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, काफ़ी लोगों को लगता है कि ये दिस इज़ नॉट द बेयर मार्केट, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो मैं अपना ओपिनियन आपको बताऊँगा मुझे क्या लगता है 2021 में क्या होने वाला है। बट लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल्स, जैसे मैंने बताया कि लेट्स नॉट फॉरगेट द फंडामेंटल्स। यस यहाँ पे करेक्शन है, यस प्राइस गिर रही है, बट फंडामेंटल हमको हमेशा ध्यान में रखना है। लेट्स स्टार्ट विद बिटकॉइन। तो कल बिटकॉइन पिज्ज़ा डे था। नाउ बिटकॉइन पिज्ज़ा डे क्या होता है, 22 मई को 2010 में एक बंदे ने अराउंड 10,000 बिटकॉइन दिया था दो पिज्ज़ाज के लिए, ठीक है। और उस डे को 22 मई को बेसिकली हम लोग बिटकॉइन पिज्ज़ा डे मनाते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट कमर्शियल ट्रांजैक्शन था जहाँ पे किसी ने बिटकॉइन एक्सेप्ट किया था। ना अगर उस देखोगे, उस ट्रेंड को देखोगे, तो ये बहुत ही अच्छा इन्होंने रिसर्च किया और यहाँ पे इन्होंने बताया है बिट्टू बज ने, यहाँ पे इन्होंने बताया कि 2010 में 10,000 बिटकॉइंस दिया दो पिज्ज़ा के लिए, 2011 में मतलब नेक्स्ट ईयर में ही एक बिटकॉइन अराउंड $1 आ गया। मतलब 10,000 बिटकॉइंस अगर उसने दिया था, जैसे कि आप देख सकते हो 10,000 बिटकॉइन दिया था दो पिज़्ज़ा के लिए, तो मतलब यहीं पे उस पिज़्ज़ा की कीमत $10,000 हो गई, राइट। सो 2011 में $1 था, 2012 में 350 हो गया था, 2013 में 122 हो गया था, 2014 में 491, ये 22 मई की बात है, ओके ये एवरी ईयर। और यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ओके 2017 में 2041 था, 2018 में $8,000 राइट बिटकॉइन का प्राइस उस दिन, एंड फिर 2020 में 9,000 था, फिर 2021 में जो कल के दिन में 36,000 प्राइस था। तो कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स दिखाता है बिटकॉइन में। कहीं कहीं लोग यू नो इतना ज़्यादा घुस जाते हैं शॉर्ट टर्म में कि उनको लॉन्ग टर्म भूल जाते हैं। तो आई थिंक ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमको लॉन्ग टर्म पोटेंशियल क्या है बिटकॉइन का। और यस ऐसे मार्केट क्रैशेस होंगे, बट फंडामेंटल्स कहीं नहीं गए उसके। दूसरा चीज़ इथेरियम, इथेरियम के बारे में हम लोग कितना बात कर रहे थे, इथेरियम 3000 जा रहा था, 4000 जा रहा था, तो हम लोग बात करते कि बहुत सारे इवेंट्स हैं और वो इवेंट्स कहीं नहीं गए इथेरियम के लिए। फॉर एग्जांपल ईआईपी 1559 जो जुलाई में आ रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए, जस्ट बिकॉज मार्केट डाउन है ये इवेंट्स टल नहीं रहे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट इथेरियम के लिए, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस भी कम होने वाली है, इथेरियम बर्न होने वाला है, यू नो डिफ्लेशनरी होने वाला है इथेरियम, इट इज़ अ वेरी बिग डील जो जुलाई में है। एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जुलाई तक हो सकता है यहाँ पे मार्केट कंडीशंस कुछ और हों, इथेरियम का प्राइसेस कुछ और हों। और अगर आप देखा जाए तो ये इथेरियम आज सुपर प्राइस पे 1000
$800 पे गया ना, तो बहुत। बट ऑफकोर्स मैं बोलूँगा कि अभी किसी को इस मार्केट में हाथ नहीं डालना चाहिए, स्पेशली टू बाय द डिप, बिकॉज वी डोंट नो कि डिप क्या है। जब तक ये थोड़ा स्टेबल नहीं होता, आई डोंट थिंक कि किसी को इस प्राइस में बाय करना चाहिए। एटलीस्ट देखना चाहिए कि मार्केट कितना गिर रहा है। ओके, बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक ये जो एसेट्स हैं, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, स्पेशली इथेरियम, ये बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है। और जुलाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंथ है, राइट? एंड पूरा डीफाई इथेरियम पे बना हुआ है, और डीफाई एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आइडिया है, तो ये कहीं नहीं जा रहा है। डीफाई कहीं नहीं जा रहा है, एनएफटी कहीं नहीं जा रहा है, राइट? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर डीफाई की बात करें तो यूनिसॉप ने रिसेंटली इन्होंने V3 लॉन्च किया। तो यूनिसॉप V3, वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस दैट यूनिसॉप V3 इज़ नाउ लाइव ऑन द इथेरियम मेननेट। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, जो इनका UI है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इन्होंने, अगर आप यूनी की प्राइस देखोगे तो $13 पर ट्रेड हो रहा है आज, राइट? और ये 40 पे गया था। तो अगेन, दिस इज़ अगेन ए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, यू नो, जिसको यूनिसॉप कॉइन लेना था, आई मीन दिस इज़ द डिस्काउंटेड प्राइस, राइट? और यूनिसॉप, आई थिंक कि यूनिसॉप नंबर वन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज रहेगा ही, इथेरियम पे बना हुआ, ये कहीं नहीं जा रहा। तो ये आई थिंक काफ़ी अच्छी चीज़ है। दूसरा चीज़ चेन लिंक जैसा कॉइन, जो आज आई थिंक क्या प्राइस पे गिर गया, $16 पे गिर गया। चेन लिंक ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि चेन हडेरा विल इंटीग्रेट चेन लिंक एज इट्स प्रेफर्ड ओरेकल टू एक्सेलरेट एंटरप्राइज ब्लॉकचेन अडॉप्शन। चेन लिंक लैब्स हैज ऑल्सो ज्वाइन द हडेरा गवर्निंग काउंसिल टू सपोर्ट इनिशिएटिव कनेक्टिंग ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज टू ऑन चेन प्रोटोकॉल्स। सो हडेरा के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत पहले वीडियो बनाया था, आई थिंक पिछले साल बनाया था। हडेरा अगेन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको काफ़ी बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज कंपनीज बैक कर रही है, फॉर एग्जांपल गूगल, IBM, टाटा कम्युनिकेशंस, ओके, LG। सो दिस हैज़ बीन वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो काफ़ी लाइमलाइट में हमेशा रहा है। एंड बट चेन लिंक के लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, चेन लिंक के लिए बहुत बड़ा डील है, बिकॉज हडेरा जैसा प्रोजेक्ट नाउ चेन लिंक के लिए यूज़ इट, राइट? सो अगेन, अगर किसी को लॉन्ग टर्म आपको देखना है कि आपको लगता है कि चेन लिंक इज, और दूसरी चीज़ ये, अभी ये बुल मार्केट में चेन लिंक $40 कुछ टच किया था, राइट? जस्ट इमेजिन कि नेक्स्ट बुल मार्केट में ये सब कॉइन्स क्या टच करेगा। ऑलमोस्ट जितने भी ये सब कॉइन्स हैं, यूनिसॉप हो गया, या फिर चेन लिंक हो गया, या फिर राइट इथेरियम हो गया, ये हर एक बुल मार्केट में एक नया हाई बनाते हैं। तो इस बुल मार्केट में लेट्स सी 43 था चेन लिंक का, राइट? एंड नेक्स्ट बुल मार्केट में अगेन इससे ऊपर जाएगा, मे बी 100 टच करेगा, राइट? आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बट जितने भी ऑल्ट कॉइन्स देखोगे, जब भी बुल रन आता है, मार्केट अच्छी होती है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स होते हैं ना, वो हमेशा अच्छा ही करता है। सो चेन लिंक हो गया, यूनिसॉप हो गया, ये काफ़ी अच्छी चीज़। दूसरा चीज़ NFTs, guys. NFTs मतलब इंस्टाग्राम जैसा कंपनीज NFTs में घुसने वाला है। अगर यहाँ पे इनकी माना जाए, फोर्ब्स ने यहाँ पे इसको पब्लिश किया था कि इंस्टाग्राम इज़ लुकिंग टू क्रिएट एन NFT प्लेटफॉर्म। मैं बताऊँ, NFT करना ही पड़ेगा इंस्टाग्राम को। वाई? बिकॉज जितने भी यहाँ पे आर्टिस्ट हैं ना, बहुत सारे, जैसे कि ये आर्टिस्ट, ये बीपल आर्टिस्ट, इंस्टाग्राम पे इसके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, आई गेस, ओके? और ये बंदा जब इसको आर्ट उसको बेचना हुआ, तो ये क्रिस्टीज करके एक कंपनीज के साथ पार्टनरशिप हुआ, और ये आर्ट $69 मिलियन के बिके। तो कहने का मतलब, इंस्टाग्राम पे इतने सारे आर्टिस्ट हैं, ठीक है, जो अपना आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, जब लेकिन उनको टोकनाइज की बात कर रही है, जब उनको मार्केट प्लेस में सेल करने की बात आ रही है आर्ट को, तो उनको कहीं और जाना पड़ रहा है, राइट? उनको या तो crypto.com पे जाना पड़ रहा है, या फिर निफ्टी पे जाना पड़ रहा है, या फिर OpenSea पे जाना पड़ रहा है, राइट? तो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम ये मिस नहीं करना चाहता। इंस्टाग्राम बोलेगा कि यू नो व्हाट, मेरा खुद का NFT मार्केट प्लेस में डालूंगा, जहाँ पर मेरे जो आर्टिस्ट हैं वो खुद यू नो NFT बेच सकें। तो आई थिंक वेरी स्ट्रांगली दैट इंस्टाग्राम दिस ईयर, ओके, 2021 में आई थिंक इंस्टाग्राम एक NFT मार्केट प्लेस लॉन्च करेगा। यहाँ पे जैसे मैंने बताया, यहाँ की अगर कोई बात होती है ना कुछ तो रीज़न होगा, ऐसे ही यहाँ पे बात नहीं चलेगी। तो कुछ ना कुछ तो इनके पास मिला है, यू नो, सुराख सोर्सेज होंगे, जिसकी वजह से इनको मालूम पड़ा है कि इंस्टाग्राम इज़ लुकिंग टू क्रिएट एन NFT प्लेटफॉर्म, एंड दिस विल बी वेरी ह्यूज फॉर इथेरियम।
एंड या फॉर नाउ लेट्स से इथेरियम। ओके, दूसरा चीज़ क्रिप्टो डॉट कॉम ने, अगेन NFTs के बारे में अगर देखा जाए तो क्रिप्टो डॉट कॉम बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा है। इन्होंने क्रिप्टो डॉट कॉम बिकम्स एन ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी एंड NFT स्पॉन्सर्स फॉर द IIHF आइस हॉकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप। सो बेसिकली एक टूर्नामेंट चल रहा है, एक चैम्पियनशिप चल रही है हॉकी की, और ये जो है ये कंट्रीज रशिया, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, बेलारूस, राइट। और ये जो टूर्नामेंट चल रहा है ये आई थिंक 21 मई से 6 जून तक चल रहा है, ठीक है। अब ये जो प्लेयर्स हैं, ये जो टीम्स हैं, राइट, स्पोर्ट्स में NFT बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि स्पोर्ट्स के फैन बेस, टीम के फैन बेस बहुत क्रेजी होते हैं। जैसे आप IPL का ही देख लो, राइट, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, जो भी है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि जो भी NFTs यहाँ पे बनेगी, स्पोर्ट्स की NFTs, ओके, चाहे वो फ़ैन के लिए हो, चाहे पर्टिकुलर टीम के लिए हो, ये सब यहाँ पे crypto.com उनका ऑफिशियल पार्टनर हो चुका है। तो ये लोग crypto.com के यहाँ पे वेबसाइट पे यहाँ पे NFT सेल करेंगे और जो फैंस होंगे उसको बाय करेंगे। तो ये काफ़ी न्यूज़ अच्छी है, बिकॉज इस तरह से पूरा, क्योंकि NFTs भी क्रिप्टो का एक बहुत मेन पार्ट है, राइट, और NFTs बहुत ज़्यादा जल्दी मेन स्ट्रीम होगा कंपेयर टू क्रिप्टो अगर देखा जाए तो। जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, बहुत सारे जो बायर्स थे इथेरियम के, उन्होंने इसके लिए बाय किया था बिकॉज उन्होंने NFT खरीदना था गैरी वी के, राइट, गैरी वेनरचुक, बिकॉज उन्होंने अभी NFTs लॉन्च किया है। तो NFTs बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है क्रिप्टोज का। और एक चीज़ जो अच्छी बात मुझे ये लगी इस मार्केट क्रैश से, ऑफकोर्स ये मार्केट क्रैश मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट यू नो, एक अच्छी चीज़ ये हो कि जो हिसाब से मीम कॉइन्स आ रहे थे ना, डोज कॉइन, शिबू कॉइन, क्या क्या दुनिया भर के, मैंने एक वीडियो बना डाला था वो मीम कॉइन्स किस तरह से उनकी स्ट्रेटजी है, कितने कितने बिलियंस में सप्लाई में लॉन्च कर रहे हैं, राइट। कहीं ना कहीं ये इस पर थोड़ा सा स्टॉप हुआ है, क्योंकि ये हद हो गई थी, मतलब कुछ भी कॉइन्स नहीं है, कुछ भी दम नहीं है। आप एक टोकन्स, एक घंटे में आप टोकन्स क्रिएट कर रहे हो किसी भी स्मार्ट चेन पे जाके, ये तो पूरा, और उसको पंप कर रहे हो, राइट। तो कहीं ना कहीं इसको स्टॉप होना बहुत ज़रूरी था, और ये मार्केट ने, जैसे ही मार्केट यहाँ पे रेड हुआ, आप देख रहे हो कोई सुनाई दे रहा है अभी आपको, राइट, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात हुई इस मार्केट से, बट अदरवाइज, बट आई थिंक हम लोग को एक दूसरा वेव बुल देखने को डेफिनेटली मिलेगा 2021 में। आई थिंक हम लोग को फिर से एक बार इथेरियम का न्यू हाई या फिर एंड बिटकॉइन का न्यू हाई शायद अपने को 2021 में देखने को मिलेगा, बिकॉज इट इज़ टू अर्ली टू कॉल इट अ बेयर मार्केट, सिर्फ 3 दिन हुआ है। एंड दूसरा चीज़, क्रिप्टो के जो फंडामेंटल्स है स्ट्रांग होते ही जा रहे हैं, तो मार्केट कभी कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता फंडामेंटल्स को, बट क्रिप्टो के जो फंडामेंटल्स हैं, चाहे वो NFTs हों, चाहे वो DeFi हों, वो स्ट्रांग होते ही जा रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है क्रिप्टो के लिए। और यू नो, मार्केट पे हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है, जैसे मैंने बताया कि मार्केट अपने हिसाब से चलती है, साइकोलॉजी होती है, बट हमेशा यही हमेशा फोकस होना चाहिए कि जो भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हम लोग अगर होल्ड कर पाएँ, लॉन्ग टर्म के लिए स्टैक कर पाएँ, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है हमारे लिए। बाकी आप भी बताना आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है कि ये मार्केट कब तक रेड होने वाला है, आपको क्या लगता है कि ये बेयर मार्केट लग चुका है, एंड लेट मी नो योर ओपिनियन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।